ट्रैफिक पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, इट्स अ सब्जेक्ट, ठीक है जी, बड़ा एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, और उसमें डिफरेंट ईज बड़े फेमस हैं. द फर्स्ट ई इज एजुकेशन, नंबर वन, फोर एंड द फोर मोस्ट इज एजुकेशन. उससे भी पहले आती है इंजीनियरिंग, के रोड्स की कहाँ पे अंडरपास बनने हैं, कहाँ पे फ्लाईओवर्स होने हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक किस तरह एक्सपैंड कर रही है, आबादी का तनासब क्या है, उसके लिहाज से पूरी प्लानिंग होती है, अर्बन प्लानिंग, और उसके अंदर कहाँ पे हमें जेब्रा क्रॉसिंग्स देनी है, कहाँ लाइन मार्किंग करनी है, साइनेज क्या होनी है. तो ये तो आगे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स के, कैसे बंदा ऑलरेडी जो प्लानिंग होती है उसके अंदर होता है कि कैसे वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रही है, तो उसके लिए हमें कितनी रोड्स को एक्सपैंड करना है, रोड नेटवर्क कितना होगा. लाहौर की अगर हम सिर्फ बात करें, अच्छा ये आ गया, और उसके बाद आती है इन्फोर्समेंट, फिर और ईज इंटरलिंक्ड आजकल आ गए नए इनक्रोचमेंट्स जो हमारा फिनोमेनन है, उसके बाद इस तरह की और चीजें शामिल है. एनवायरमेंट इज वन एस्पेक्ट जो कि ट्रैफिक का उसके ऊपर इंपैक्ट होता है. तो अगर लाहौर की सिर्फ बात करें, अभी ट्रैफिक वार्डन्स का अगर हम देख लें सिस्टम, जब ये आया था इट वॉज 2006 जब ये एनवीसीएच हुआ और ये इम्प्लीमेंट हुआ और ये ट्रैफिक वार्डन्स भर्ती हुए, तो तब जो हमारा वॉल्यूम का ट्रैफिक का जो तनासब था वो था कि फॉर एवरी 515 व्हीकल्स एक ट्रैफिक वार्डन होगा. वो अभी ओवर दी 14 ईयर्स जो गुजर गए, 2020 में हम दाखिल हो गए, तो एक्सपेंशन ऑफ ट्रैफिक इतनी ज्यादा होगी लाहौर की. अभी एज ऑफ 2019 हमारी एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो रजिस्टर्ड नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, दे आर 6.5 मिलियन. अभी इसमें से तकरीबन, और आबादी हमारी 11.8 मिलियन के करीब है जो 2018 का सेंसस है, और रोड नेटवर्क्स हमारे हैं तकरीबन पूरे लाहौर के 1300 किलोमीटर के करीब, और स्ट्रेंथ हमारी देखें तो 3000 ट्रैफिक वार्डन्स हैं. तो वो जो 515 के ऊपर गाड़ियों के ऊपर एक ट्रैफिक वार्डन का फॉर्मूला कैलकुलेट हुआ था, वो प्रैक्टिकली एज ऑफ नाउ आज की डेट में अगर हम बात करें तो वो चला गया है तकरीबन 1650 व्हीकल्स पर ट्रैफिक वार्डन. तो अगर सिर्फ इन्फोर्समेंट के ऊपर हम रहें तो इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि वो एक अपना पार्ट तो प्ले कर सकते हैं, उनकी एक डेटरेंस है कि वो इशारा भी करेंगे, रोकेंगे भी, चलाएंगे भी. तो उससे खूबसूरत बात आपने अपने स्टार्ट में कर दी, मिनसल कॉम, किसी भी मुल्क में अगर देखना हो, आपने बताया कि उसके लोगों का कितनी लॉ अबाइडिंग है, उनका डिसिप्लिन कितना है, नज्म व ज़ब्त कितना है, वो उससे अंदाजा होता है. तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारी एजुकेशन का है. आपको जिस तरह आपने कनाडा की मिसाल दी, मैं आपको श्रीलंका जो कि हमसे बहुत छोटा मुल्क है, मुझे उधर भी जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहां पे मैंने जाके देखा, आप यकीन करें विदाउट एनी एग्जैजरेशन, आई वॉज इन कोलंबो और भी मैं उनके एरियाज में फिरा, लंबी लाइन्स लगी होती थी, 7.5 वाली लेन्स खाली हैं और वो अपनी सेकंड लेन भी नहीं बनाते. अगर लेन्स हुई हुई है, एक लाइन है, एक लेन है, वहां पे लंबी कतार लगी हुई है किलोमीटर्स के अंदर, बट दे वुड स्टे इन देयर लाइन्स, कोई भी अपनी जंप करके मार्किंग्स के दूसरी साइड पे नहीं आएगा. व्हाई? बिकॉज दे हैव अ वेरी हाई लिटरेसी रेट श्रीलंका में. तो तालीम का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि पहला मैंने आपको बताया, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ईज. तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और उन तमाम फैक्टर्स को अगर हम देखें तो जो लाहौर में आपने कहा कि सिंस इट्स अ कैपिटल सिटी, इतनी 11 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन है, चंद शहर है दुनिया में इतनी, उसमें फिर ये है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे इंजीनियरिंग उस तरह के फ्लॉज रहे बीच में, और उसमें बहुत सारे और हमारे से इंटरलिंक्ड डिपार्टमेंट्स हैं, विच अगर हर डिपार्टमेंट अपना अपना हिस्से का काम सही तरीके से करता रहे. और ये भी हमसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा है ट्रैफिक वार्डन से, सिंस दे आर एजुकेटेड ग्रेजुएट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मास्टर डिग्री होल्डर्स, रोड पे खड़े होके चलानिंग कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तो बड़े अजीबोगरीब किस्म के रवैये भी हमें आए दिन डेली बेसिस पे बड़े इंसिडेंट्स होते हैं देखने को मिलते हैं. तो ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और अगर तमाम डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम अच्छे तरीके से अदा करें तो बहुत बेहतरी नजर आ सकती है. ट्रैफिक का नज़्म व ज़ब्त भी बेहतर नजर आएगा आपको अगर रोड्स हमारी खुली हों, पार्किंग प्लाजाज बन गए, पार्किंग स्पेसेस नहीं है, ये वाले सारे फैक्टर्स हैं, ये मिला के तो कंपाउंड करते हैं ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को लाहौरियों के लिए. अच्छा हमाद आबिद साहब, इन्हीं हालात में ये जो आपके मुबीन शहीद साहब थे, ज्यादा लंबा अरसा नहीं गुजरा उनको, अभी शहीद हुए, मैंने उनको देखा, उनके टेन्योर में मुझे बड़ी बड़ी स्ट्रांग जो आपके ये तजारती मार्केट्स और ये जो ग्रुप्स थे, उन्होंने उनकी पार्किंग वहां से हटवा दी थी. मसलन जे रोड
इज वन ऑफ देम कि जेल रोड के आपको इस साइड पे सड़क के कोई गाड़ी नजर नहीं आएगी। कोई गाड़ी वहां पे अगर है, वहां पे एक लिफ्टर मुसलसल वो गश्त पे होता था, वो उठा लेता था। सेम आगे जो कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेजेस हैं, उनके बाहर भी यही सिचुएशन थी कि कोई गाड़ी मुझे सड़क पे नजर ना आए। और आपके कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने उनकी तारीफ भी की, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अदा करे, कि उनके दौर में भी तकरीबन कमोबेश इतनी ही ट्रैफिक थी, लेकिन हमें नजर आया, मैं आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा, आपको भी हाल में आया, लेकिन उसके बाद हमें फिर नजर आया कि ये जो गेटोज हैं, जो मुख्तलिफ ताजरों का है, कोई कहीं कहीं, उन्होंने फिर मेन रोड पे उस तरह ही ब्लॉकेज शुरू कर दी। तो क्या वजह थी कि उनके टन्योर में इतनी सख्ती हमें नजर आई और उसके बाद फिर वो ये मैं जो भी बात करूंगा विद सर्वे एंड सोर्सेज के साथ मैं बात करूंगा, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझे बिल्कुल यकीन है, हमें हम रोज कवर करते हैं। माल रोड की मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर एक घंटा कमोबेश माल रोड अगर ब्लॉक रहे दोनों साइड से, तो 13,500 से लेके 15,000 व्हीकल्स का बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, जिनको हम डाइवर्ट करते हैं ऑन डिफरेंट ऑल्टरनेट रूट्स, तो उनको घंटों लगता है उस ट्रैफिक, उस बॉटलनेक को, उस कंजेशन को दूर करने के लिए। ये फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए और ये डेली बेसिस पे हो रहा होता है, सारा दिन हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है उसमें। फिर और हमारे ऑपरेशंस जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ऑपरेशंस ब्रांच है, दैट कम्स इनटू प्ले, वो लोग जाते हैं, मजाकरात हो रहे हैं, कंपनीज मैनेजमेंट, कोई क्लर्क्स हैं, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ है, कुछ और मुख्तलिफ लोग हैं, तो ये आए दिन ये चीजें चलती रहती हैं डिफरेंट। तो हमारे लिए एक तो वो भी एक बहुत बड़ा इरिटेंट है और उसकी वजह से जारी बात है ट्रैफिक चोक होगी। और हमारा बहुत सारा ट्रैफिक रेगुलेशन का इन्हिसार है सिक्योरिटी पैराडाइम के ऊपर। आपने देखा होगा, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, PSL के मैचेस होते हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली होते रहे पिछले, अभी वाला ये वाला भी बड़ा अच्छा हो रहा था बिकॉज ऑफ कोरोना, रोकना पड़ा। उसके अंदर मेजर आर्टरीज अगर आप शहर की ब्लॉक करेंगे, फिरोजपुर रोड की इंटरसेक्शन बंद कर दी या माल रोड की फॉर ड्यूरेशन या मूवमेंट के अंदर, जैसे हमने कोशिश की कि सिग्नल टू सिग्नल उनको फ्री दें, जीरो हमने नहीं रखी ट्रैफिक, बट स्टिल जब डाइवर्जन लगती है, इतना वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है लोगों को, बट उसको भी ट्रेड ऑफ करना होता है। और सारा नजला जो होता है वो किस पे आता है, हमारे मस्कीन ट्रैफिक वार्डन्स के ऊपर आता है या हमारे ऊपर आता है कि ट्रैफिक का निजाम गरम भरम हो गया, देखें चोकिंग हो गई, बट लोग ये मद्देनजर नहीं रखते कि इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है। सिक्योरिटी इज अ डिसीजन जो कि कैबिनेट लेती है, उसके अंदर हमारे मुल्क का इंटरेस्ट, उसकी प्रेस्टीज, उसके अपने स्टेक्स और इंटरनेशनल क्रिकेट का वापस आना और बड़े फैक्टर्स होते हैं, तो ट्रेड ऑफ करना होता है बिटवीन सिक्योरिटी एंड द ईज ऑफ पब्लिक। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के मैं माजद के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये इस्तांबुल में ये देखने का इत्तेफाक हुआ कि वहां पर एक उन्होंने मैराथन करवाई और पूरा शहर उसमें शरीक था, लेकिन उस दिन बकायदा एक ट्रैफिक प्लान था कि ये गाड़ियां बाहर ही नहीं आ सकती, यानी ये उस दिन उनका एक ट्रैफिक प्लान था कि जो बड़ी व्हीकल है वो शहर में ही दाखिल नहीं हो सकती, ये गाड़ियां इतने बजे से इतने तक यहाँ पे चल ही नहीं सकती, शहर के किस जगहों पर ट्रैफिक रहेगी, ये सारा कॉर्डन ऑफ रहेगा, यहाँ पे तमाम सरगर्मियां भी खत्म रहेंगी। और वो जो सुल्तान महमद के और वो ब्लू मॉस्क वाला एरिया था जहां पे आकर उसने एंड होना था, जहां से शुरू होकर वो सारा एरिया हमें भी उस दिन पैदल तय करना पड़ा क्योंकि टैक्सी वाले ने कहा कि उधर तक हम जा ही नहीं सकते। तो इस तरह का कोई प्लान भी नहीं बनाया जाता कि उस दिन की मुनासबत से एक बड़ी गाड़ियों का उस दिन या कमर्शियल व्हीकल्स उस दिन नहीं चलेंगे, ताकि लोगों की आमदोरफ कुछ तो रिस्ट्रिक्ट हो। और उसके साथ साथ उस दिन उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस को भी बंद किया हुआ था अपने, और जो बाहर शहर से बाहर यूनिवर्सिटीज थी वो ऑपरेट कर रही थी, शहर में जो स्कूल थे वो बंद थे। बिल्कुल आपने ठीक बात की, जहां तक बात यह है कि प्लान नहीं बनाया जाता, बिल्कुल प्लान बनाए जाते हैं, मैं आपसे शेयर भी करूंगा PSL के लिए हमने कैसे ट्रैफिक एडवाइजरीज जारी की। इस्तांबुल की अगर मिसाल दूं, मुझे भी इत्तेफाक हुआ वहां जाने का, इस्तांबुल में वैसे आप अगर ट्रैवल करें रोड के ऊपर, उनका हमसे बहुत बुरा हाल है। Why they are better off than us? अगर आप नॉर्मल गाड़ी पे चले जाएं, आपको ट्रेवल टाइम और डिस्टेंस वहां पे ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू लाहौर। वहां पे एक अच्छी चीज उन्होंने, मेट्रो है, ऑल्टरनेट ट्राम है, ऑल्टरनेट आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने लोगों को। हमारा इशू ये है 6.2 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स में से 65% ऑफ द व्हीकल्स आर मोटरसाइकिल्स।
ऑलमोस्ट 4.2 मिलियन हमारे मोटरसाइकिल्स या रजिस्टर्ड सिर्फ लाहौर के. एट द सेम टाइम लोगों के पास कोई और अल्टरनेट नहीं है. व्हाट शुड दे डू? कोई अंडरग्राउंड रेल्स नहीं है हमारे पास, कोई हमारे पास अभी अल्लाह करे मेट्रो बन जाए, बाकी चीजें. इन तमाम चीजों को एड्रेस करने के लिए फिर और डिपार्टमेंट्स का काम आ जाता है, विच कम इनटू प्ले. तो ये बिल्कुल होता है, प्लानिंग हम लोग बिल्कुल करते हैं. और इस दफा मैं नया नहीं आया था, मैं 19 फरवरी को मैंने चार्ज लिया, 21 से पीएसएल के मैचेस शुरू हो गए. तो मेरा तो नॉर्थ सीधा नहीं हुआ था और आके हम लोग उसमें लग गए और ऊपर से फिर यहाँ ट्रैफिक वो कंजेशन फलाना. बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दफा ये कोशिश की कि जितनी सहूलियत लोगों को दे सके. आपने देखा होगा फर्स्ट 3 मैचेस के अंदर मेन बुलेवर्ड थ्रू एंड थ्रू खुली हुई थी, उसको ब्लॉक नहीं किया गया था. मैं गया था पिछले मैचेस के अंदर, आपने देखा होगा पिछले सीजन जो बंद थी वो बंद होती थी. बट उसको भी क्यों बंद करना पड़ा? बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस. कुछ ऐसी चीजें बिहाइंड चल रही होती हैं जिसके अंदर पल्स मॉनिटर हो रही होती है, चीजें चल रही होती है. हमारे साथ, मैं खुद 7 साल यूएई में रहा, वहां पे दुबई पे हमारे से बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड्स का, लेकिन वहां पे उन्होंने लाइसेंस पे एक पॉलिसी बनाई आफ्टर अ टाइम जब उन्होंने कंजेशन देखी. उस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है. नाज़रीन, ट्रैफिक लाइसेंस के हवाले से हमाद आबद साहब से हम बात करेंगे, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर सैयद हम्माद आबिद. उनसे बात कर रहे थे शहर के ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से. हम्माद साहब, मुझे 7 साल दुबई में रहने का इत्तेफाक हुआ. पहले 2-3 साल जब वहां पर ट्रैफिक का रश नहीं रहा, ये 2004 से 11 की बात है, तो उन्होंने लाइसेंस जो मर्जी जाके ले सकता था. एनीबॉडी जिसके पास रेजिडेंस वीजा वो अप्लाई करे. इवन के विजिट वीजाज वालों के लिए भी एक खास पॉलिसी थी, वो भी कर सकते थे अगर उनके पास लाइसेंस है. सिर्फ इंटीमेट करते थे और वो गाड़ी ले लेते थे वहां से. फिर उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिलियंस ऑफ दिरहम्स लग रहा है उनका. फिर उन्होंने सबसे पहले एक स्टेट ऑफ द आर्ट, ये जिस तरह की हमारे यहाँ पे ऑरेंज लाइन बन रही है, एक मेट्रो लॉन्च की 2009 में, वो ऑपरेट कर रही थी. और उसके बाद उन्होंने फिर लाइसेंसेस पर पाबंदी लगानी शुरू की कि लाइसेंस वो अप्लाई करे जो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए थे. एक कंपनी, उस कंपनी में कितने लोग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और किन को, यानी लेबर क्लास जो गाड़ी नहीं खरीद सकते, जिनकी है ही नहीं और जिन्होंने सिर्फ टैक्सी चलाने के लिए होता है, उसको उन्होंने बैन किया. हमारे यहाँ पे भी ये पॉलिसी मैंने देखी है अभी तक. मैं इसको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन इसका कोई ना कोई तो फॉर्मेट होना चाहिए कि लाइसेंस किन के बनने चाहिए और कितने बनने चाहिए. और हमारा वहां पे दुबई जैसा, यानी कि वहां पर आपने अभी श्रीलंका की मिसाल दी, वहां पर अभी लिटरेसी रेट इतना अच्छा नहीं है दुबई में. वहां पर भी मैंने देखा, सुबह बेटे को मैं अपने स्कूल छोड़ने जाता था तो जो एम्बुलेंस और पुलिस की लाइन थी, 2-2 घंटे लग जाते थे उस रश को क्रॉस करने के लिए वहां से, लेकिन उस लाइन पे कोई नहीं आता था. वो डेटरेंस रखा हुआ था उन्होंने. फिर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि हमारी रोड्स की कैपेसिटी क्या है, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी है. उस के साथ उन्होंने एक मैच बनाया कि हम कितने लाइसेंस एवरी ईयर हम इशू करेंगे. क्या ऐसी कोई पॉलिसी जेरे गौर है? एक तो आप में और मेरे में कॉमनैलिटी ये है कि आप जहाँ जा रहे हैं, मुझे भी इत्तेफाक हुआ वहां पे रहने का, तो मैं वो अच्छी तरीके से रिलेट कर सकता हूँ. ये चीजें पॉसिबल होती हैं जब यूएई की अगर मिसाल लें कि जब वो बिल्डअप हो रहा था, जब वहां पे डेवलपमेंट हो रही थी, तो उस टाइम पे उन्होंने प्रॉपर ट्रैफिक इंजीनियर्स, चीजें, अर्बन प्लानिंग, डेवलपमेंट, गाड़ियां कौन सी आनी है, क्या है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर. हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक मशरूम ग्रोथ होती रही इस तरह करके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स अनकंट्रोल्ड. वहां पे अगर आप, हम उनसे इक्वेट इसलिए नहीं कर सकते, कुछ हद तक कर सकते हैं, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना अच्छा होता है. बट वहां पे आप इतना अरसा रहे होंगे, आपने वहां पे खोता रेडी नहीं देखी होगी, आपने टांगा नहीं देखा होगा, रिक्शा चिंची नहीं देखी होगी. तो ये हमारी रियलिटीज हैं, बिटर रियलिटीज, जिसको हमने एक्सेप्ट करना है. उनके अंदर रह के हमने अपने लोगों का, हमने उनका क्लास, उनका उनकी सैलरी, टेक होम, उनके फाइनेंशियल पोजीशन, तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ ना कुछ पॉलिसी बनानी है. और मेनी थिंग्स आर इन द पाइपलाइन एंड इन द ऑफिंग. जस्ट टू कोट एन एग्जांपल, कि जिस तरह दुबई की मिसाल देते हैं, आपने मिसाल दी कि वहां पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम भी है जी. अगर आप रिपीटेड वायलेशंस करते हैं तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, आपके पॉइंट्स कटते हैं. और यूके में भी है, यूएस में भी है. और एक टाइम आता है कि आपके, जब आप उस ब्लैक कैटेगरी में आ जाते हैं, आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है. एग्जैक्टली हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे
हमने टेबल कर दिया हुआ है, कैबिनेट के पास होम में गया, कुछ चेंजेस उसमें होती रही ड्राफ्ट, ये पॉइंट और पेनल्टी सिस्टम भी इंशाल्लाह ताला इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, जिसके लिए लेजिस्लेशन होनी है। जाहिर बात है हमारा जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 1969 का जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, तो उसमें दूसरा पार्ट आपने बात की वो कैमरास वाली, तो ई चलानिंग वाला भी एक पार्ट है, कैमरास के थ्रू यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जी फॉर इशूइंग ट्रैफिक फाइन्स। तो वो चूंकि अभी चल रहा है उसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है, उसको लीगल बैकिंग प्रोवाइड करने के लिए लेजिस्लेशन जरूरी थी, और ये तमाम चीजें उसमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम कि किस कैटेगरी का कमर्शियल व्हीकल अगर कौन सी वायलेशन करेगी, कितने उसकी वायलेशंस हो जाएंगी, तो उसको हम लाइसेंस सस्पेंड करेंगे फॉर 6 मंथ्स, फॉर 1 ईयर और परमानेंटली। और ई चैलानिंग जो आप कह रहे हैं वो तो सिर्फ पंजाब की नंबर प्लेट आप कैच कर सकेंगे, लाहौर शहर में तो आधे से ज्यादा गाड़ियां बाहर से, यानी इस्लामाबाद से exactly. और क्योंकि मैं आपके वो जो कैमराज हैं उनको फॉलो कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास से एक गाड़ी जूम करके गुजरती है, उस पर इस्लामाबाद की नंबर प्लेट लगी है और मैंने देखा कि मैं 60 पे हूं, तो वो गाड़ी मैक्सिमम मेरा ख्याल में 90 और 100 के बीच में वो उस कैमराज को क्रॉस कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह है, और वहां पे भी ये वाला इशू आता है जब आप सऊदी अरेबिया से बाय रोड जाते हैं तो वहां लोग हाई स्पीड करते हैं, उनको वाले जुर्माने नहीं आते जो बाहर की गाड़ियां आई होती हैं, तो ये इश्यूज रहते हैं हमेशा। टेक्नोलॉजी का फायदा भी होता है बट ये वाले फ्लिप साइड हमेशा ये रहती है। और अभी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे कैमराज तो वो कैश करके उसका जो वायलेटर है एक्साइज एंड टैक्सेशन का डेटा उसने पिक करना है सिस्टम से, उसके घर के ऊपर चले जाएंगे फाइन्स और वो करेगा, बट इट इज एन एक्सेलेंट डेटरेंट। आप यकीन करें हम लोग भी बजाते खुद जब जाते हैं मैं बड़ा कॉशियस होता हूँ कि हमारी सरकारी गाड़ी का कैमरे में नहीं आना चाहिए, बिकॉज वी आर द कस्टोडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो हम बड़ी एहतियात करते हैं कि कहीं जेब्रा क्रॉसिंग या सिग्नल के सेंटर में ना आ जाएं। अच्छी बात नहीं है, बच्चों को भी सिखाते हैं, बाकियों को भी बताते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा डेटरेंट है। लेकिन वो वाला अभी तक उसमें ड्रॉबैक है कि जो बाहर की गाड़ियां हैं उसका ज्यादा यूटिलिटी तब होगी जब सारी हमारी कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स हो जाएंगे, RFID रीडिंग कैपेबिलिटी होगी, कैमराज में तो है, जब वो हो जाएगा तो फिर उसके बहुत पॉजिटिव फायदा। साहब मुझे लास्ट ईयर यूनाइटेड स्टेट्स जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहां पर इंटरेक्शन हुआ पुलिस के आला अफसरान से भी, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो ब्लैक्स हैं और जो स्पेनिश हैं, जो स्पेनिश बोलते हैं वो ज्यादातर, मुझे नहीं पता उनका क्या डाटा था ना मेरी वहां पर कोई स्टडी है, लेकिन वो ज्यादातर लॉ ब्रेकर्स हैं, वो लॉ ब्रेक करते हैं, वो आपसे फिजिकल होते हैं और उसको वो कहते हैं जी हैंडल करने के लिए बकायदा हम यहाँ पे अपने लोगों को तालीम देते हैं, उनकी एजुकेशन साथ साथ जारी रखते हैं कि किस सिचुएशन में कहाँ तक आपने फिजिकल उसके साथ होने से बचना है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आना हम लोग इसको पसंद नहीं करते क्योंकि पूरी दुनिया में ये फिर स्प्रेड होती है और दुनिया में बात होती है। तो हमारे यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि ये जो पढ़े लिखे नौजवान जो BA या मास्टर्स करके आज सड़कों पर ड्यूटी दे रहे हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अब वो भी सोसाइटी के उस रंग में रंगे जा रहे हैं, यानी कि तशद्दुद के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, कोई ऐसी मुझे प्लानिंग नजर नहीं आ रही या उनकी काउंसलिंग नजर नहीं आ रही, शायद अब शुरू हो गई हो, पिछले जो मलक लियाकत साहब थे उन्होंने मुझे बताया था कि हमने इनकी जो साइकाइट्रिस्ट हैं उनके साथ इनकी काउंसलिंग शुरू करवा दी है, लेकिन अक्सर वाकयात के रोड्स पे लड़ाई होती है और ऐसी फुटेजेस मैं ये नहीं कह रहा, ऐसी फुटेजेस हमारा इमेज बाहर खराब कर रही है। अगर दुनिया के सबसे ताकतवर, मैं मईशत के एतबार से भी कह रहा हूं और फौजी एतबार से भी कह रहा हूं, उनका सदर बवांगे दहल कहता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत है, अगर वो भी इस चीज का ख्याल करते हैं कि ये ब्लैक्स या स्पेनिश स्पीकिंग लोगों के साथ लड़ाइयों की फुटेजेस हमारा इमेज को नुकसान पहुंचा रही है, तो हमें तो बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, बट जैसा कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, हमारे लड़के तो पढ़े लिखे हैं, सारा कुछ है, और उनकी काउंसलिंग ब्रीफिंग डीब्रीफिंग सेशंस एक रेगुलर रूटीन है हमारी, जब भी ड्यूटी पे जाते हैं उससे पहले उनको सेंसिटाइज किया जाता है, बताया जाता है, और वो तमाम पहले सलाम फिर कलाम वाली चीजें सारी ठीक है, बट आप यकीन करें कि जब आप रोड पे खड़े हैं किसी भी बंदे को आप रोकें इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एक V8 में बैठा हुआ है या वो ऑडी में बैठा है या वो बाइक पे जा रहा है, हमारे अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा है और हम लोग कभी भी कोई किसी को चेक करता है तो उसको बहुत नेगेटिव लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये ओवर द इयर्स ये ट्रेंड डेवलप होते हैं, टेंडेंसी डेवलप होती है सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर पढ़े लिखे होने की भी। जी मैं आपको मिसाल देता हूं,
उस पढ़ाई का क्या फायदा? यहाँ पे आप यकीन करें, जब कॉलेज के लास्ट डेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज के लास्ट डेज होते हैं, कॉलेज के ही हमारे लड़के, यूनिवर्सिटी के लड़के बड़े, यहाँ पे एक ट्रेंड बनाया है उन्होंने, बिल्कुल तालीम की बात कर रहा हूँ, इस तालीम का क्या फायदा है कि आप आके रोड के ऊपर, किनाल के ऊपर बाइक्स लेके आ जाएं, गाड़ियां लेके आ जाएं और रोक दें वहां पे शुगल में कि हमारा लास्ट डे ऑफ कॉलेज और लास्ट डे ऑफ स्कूल है, पीछे एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, पीछे लोग फंसे हुए हैं, लोगों ने इमरजेंसी में कहीं पे जाना है, किसी ने फौतकी पे जाना है, और वो फ्लाउट कर रहे हैं नोइंग फुली वेल के दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो जब जहां पे ये वाले रवैये हों लोगों के और पढ़े लिखे लोगों के, तो वहां पे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम अ पर्सन? ये क्या आपके लिए गाइडलाइन नहीं है? मैंने आपको बताया, आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं तो वहां पे 98 या 99% लिटरेसी रेट है, यूएई में इतना नहीं है, लेकिन उन्होंने ये डेटरेंस रखा कि मैं रात 3 बजे दुबई से शारजा एंटर हो रहा था अपने भाई को लेकर एयरपोर्ट से, और वहां पर एक चौराहा ऐसा है जो एंट्रेंस का है, वहां पर सिग्नल होता है रात को भी, वहां पर सिग्नल येलो नहीं होता सारी रात भी, तो रेड था, मैं रुक गया। उसने मुझे हैरत से पूछा कि क्यों रुके हुए हो? मैंने कहा सिग्नल रेड है। उसने कहा कौन देख रहा है? मैंने कहा कैमरा देख रहा है, और कैमरा देख रहा है तो सिर्फ दो सिग्नल रेड में क्रॉस करूंगा 2400 पॉइंट और मेरा लाइसेंस सस्पेंड। बिल्कुल, इस तरह की जब तक आप डेटरेंस कायम नहीं करेंगे, ये तो आपके लिए गाइडलाइन है, मैंने खुद ये भुगता है। आपने ठीक, आई टोटली एग्री विद यू। ये जो नया सिस्टम में आपको पॉइंट पेनल्टी सिस्टम का बता रहा हूँ, उसमें एनहांसमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइंस भी है, वो तो हम कर रहे हैं। यानी कि अगर पहली वायलेशन है तो कम है, और जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है, अगर ये हैबिचुअल है तो इसको बढ़ाते जाए। वैसे आपको मिसाल देता हूँ, हेलमेट है, अगर उसका 200 रुपए का फाइन है, तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर वो 1000 रुपया फाइन होगा तो वो उसको तकलीफ पहुंचेगी एक बंदे को पे करते हुए, लेकिन हमारे रवैये ये हैं कि 200 रुपए भी हम चलान लेने के लिए, बिल्कुल नहीं। ये जब आपने ये इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था, आप यकीन माने कि मैंने अपने न्यूज रूम का सारा प्रेशर लिया था, मैंने इसके अगेंस्ट नहीं अपनी, मैंने कहा मैं नहीं भेजूंगा, अगर वो कह रहे हैं कि हेलमेट आप यूज करें तो ये हमारी उसके लिए सेफ्टी के लिए है कि अगर कोई बाइक चलाता तो हेलमेट के बगैर, मैंने कहा जी आप पूरी वर्ल्ड में मुझे दिखा दें कहां चलाते हैं लोग बाइक, कहीं नहीं चलाते, बल्कि यहां पे तो बड़ी कंसेशन है कि एक बंदे के लिए वो किया है, वहां तो दो अगर बैठे हैं बाइक के ऊपर दोनों को पहनना है। और हमने पिछले दिनों जो अपनी एजुकेशन, ये जो हालात इस तरह के बन गए अभी, जो हमने एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन चलाई है हेलमेट के ऊपर स्पेशली, उसमें मैंने यही ताकीद की है सबसे, जिनको भी हेलमेट हमने उनको गिफ्ट भी किए हैं, कुछ हमारे स्पॉन्सर्स भी साथ थे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के उस मॉडल के ऊपर, तो हमने लोगों को ये कहा कि आपकी जो खवातीन है, बड़ा टेंडेंसी है हमारे मुल्क में कि चले हमने जो मॉडल रोड्स के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 90% इन्फोर्समेंट हेलमेट्स की हम लोग ले आए, जो मॉडल रोड्स हैं, मेन बुलेवर्ड है, फिरोजपुर रोड है, जेल रोड है, और ये मेजर जो हमारी रोड्स हैं माल रोड, इसके ऊपर 90% है। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, हमारे बल्कि हेल्थ मिनिस्टर ने इसको एक्नॉलेज किया और बताया फैक्ट्स एंड फिगर्स का कि 83% रिडक्शन इन दी हेड इंजरीज और फेटेलिटीज में हुई, तो उसका बड़ा फायदा हुआ। तो इंशाल्लाह ताला मेरा आपसे वादा है, अगर मैं कुछ अरसा यहाँ पे रहा और आगे इस तरह हालात अल्लाह करे बेहतर हुए, तो हम 100% कंप्लायंट बनाएंगे लाहौरियों को, जो बाइक पे आएगा वो जरूर हेलमेट पहनेगा, ना सिर्फ वो बल्कि लोगों को अर्ज करेंगे, जो हमारी माएं बहनें बेटियां जो बाइक्स पे बैठी होती हैं, जब एक्सीडेंट होता है तो उनकी जाने बल्कि हमसे ज्यादा कीमती हैं, बिल्कुल हमसे ज्यादा कीमती हैं, तो उनको भी हेलमेट पहनना चाहिए, तो वो भी हम लोगों को एजुकेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके ऊपर एक जिहाद है जी, हम इसको बिल्कुल नेक नियत से करेंगे। अच्छा सर, अब बात करें कोरोना की, इस वक्त तो दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना ही डिस्कस हो रहा है, कोरोना के हवाले से अब लॉकडाउन खुले यानी कई दिन गुजर चुके हैं और सड़कों पर बेतहाशा लोगों का ट्रैफिक का रश हमें देखने मिल रहा है, और मैं यकीन करें मैं समझ रहा हूं कि अगर स्कूल कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज की छुट्टियां हैं तो ये आम दिनों से ज्यादा रश है, क्योंकि लोग शायद 2 महीने से रुके हुए थे तो इसलिए हमें सड़कों पर ज्यादा रश नजर आ रहा है। इट मीन्स कि आपके ट्रैफिक की पूरी नफरी, पूरी ताकत सड़कों पर मौजूद है और उनका इंटरेक्शन लोगों के साथ हो रहा है, और ये वो टाइम है कि हम पीक टाइम की तरफ जा रहे हैं कोरोना के हवाले से। क्या ट्रैफिक पुलिस के अहलकारों को कोरोना से बचाव के लिए N95 मास्क जो आप और मैंने इस्तेमाल किया है अभी थोड़ी देर पहले, ये प्रोग्राम से पहले हमने उतारा है, और हिफाजती किट्स दी गई हैं? जी हाँ, एक तो जी हमारा बड़ा ज्यादा हमारी लीडरशिप का फोकस रहा कि हम लोग खुद महफूज रहेंगे तो ही लोगों को हम महफूज रख सकेंगे या उनको तरगीब कर सकेंगे। हम एजुकेट भी कर रहे हैं लोगों को, मैं फिगर्स आपसे शेयर करूंगा कि इस पूरी कैंपेन में सिंस दी लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ, फर्स्ट इनिशियल लॉकडाउन से लेके अभी तक हमारी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही है,
हम वैसे तो नजर आते हैं, मोबाइल पे फोन पे बात करते भी नजर आते हैं, बट कोई अच्छे काम भी करते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि इस पूरे उसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने क्या किरदार अदा किया इसके अंदर, पूरी कैंपेन के अंदर एज अ फ्रंट लाइनर। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि एक तो बहुत ज्यादा फोकस रहा कि हमने अपने आप को महफूज रखना है, उसके लिए ब्रीफिंग सेशंस हुए, सेंट्रली भी अरेंज हुए हमारे किला गुजर सिंह में, और डिफरेंट पुलिस यूनिट्स, डॉल्फिन्स भी थी उसके अंदर, एसपीयू भी थी, ट्रैफिक पुलिस भी थी, वो सेंट्रली भी अरेंज हुए, उसके अलावा इंडिविजुअली भी हमने किए, फिर हमने अपने डिविजनल एसपीज ने हमारे जो ट्रैफिक के उन्होंने अपने अपने सेक्टर्स में ब्रीफिंग सेशंस लोगों की आगाही के लिए किए, उसके बाद सेक्टर्स में हुए सर्कल ऑफ, वो हमने करते रहे, हमने साथ साथ उनको प्रोवाइड किए, और बहुत और भी हमारी लोग थे जिन्होंने आके हमें प्रोवाइड किए इनिशियली जब शुरू वाले डेज थे, मास्क भी आए, सारा कुछ हुआ, फिर आई जी साहब ने एक सेंट्रली सिस्टम भी बना दिया जिसके अंदर हमने पीपीईज भी ली, लोगों को दी, और हमने उन लोगों को पीपीईज दी जो ज्यादा एक्सपोज हैं, लाइक जो क्वारंटीन सेंटर्स पे ड्यूटी कर रहे हैं, जो उन टीम्स का पार्ट एंड पार्सल हैं जो एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को लेके सस्पेक्ट को ट्रांसपोर्ट करती हैं टू द हॉस्पिटल एंड टू देयर सेंटर्स, उनको हमने प्रोवाइड किए। उसके बाद फिर जो हमारे मेन जो लॉकडाउन एरियाज थे वहां पे जो हमारे ट्रैफिक वार्डन ज्यादा एक्सपोज थे, जिनको ज्यादा थ्रेट थी अपने सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करने की, उनको हमने प्रोवाइड किए। उसके साथ साथ आपने देखा होगा हमारे ऑलमोस्ट एवरी ट्रैफिक वार्डन, यू कैन सी देम विद द फेस शील्ड्स, वो भी उनको प्रोवाइड की। हमाद साहब, मेरे पास मजीद कुछ सवाल हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है। हमाद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर की ट्रैफिक के हवाले से इनसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन मेरे साथ मौजूद है चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर सैयद हमाद आबिद, उनसे हम बात कर रहे थे लाहौर के ट्रैफिक सिस्टम पे। हमाद साहब, लाहौर शहर में तजावजात, मेरे बहुत सारे पर्सन बड़े प्यारे दोस्त स्कूल कॉलेज दौर के, वो बताते हैं कि तजावजात ट्रैफिक पुलिस की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकती जो कारोबार कर रहे हैं। और अगर मुझे अकबरी मंडी या ब्रांडर थ्रोड मैं सोच भी नहीं सकता जाने का, मैं शाह आलम मार्केट सोच भी नहीं सकता जाने का दिन में, और अगर कभी शादी पे कुछ शॉपिंग ऐसी मुझे कहा किसी ने, तो मैंने कहा आप शहर के जिस हिस्से में कहेंगे मैं आपको ले जाऊंगा, मैंने वहां पे वो जो सुआ बाजार है, वो जो उनका वो गोल्ड मार्केट है पूरी, वहां पर मैं नहीं आपको किसी सूरत लेके जाना। पहली बात, मेरी गाड़ी सही सलामत नहीं रहेगी, दूसरी बात वो स्ट्रेस मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता जितना मुझे वहां पर पहुंचाने में, तो आप कहीं और वहां से अच्छा मिलता है, मैं क्या उससे अच्छा कहीं और मिलता है तो मैं चलने को तैयार हूं। तजावजात क्या ट्रैफिक पुलिस की मर्जी से होती है? नॉट एट ऑल जी, आप यकीन करें कि अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ माल की, कि वहाँ पे रेडी बान है, वो आ जाते हैं रोड के ऊपर, पिछले दिनों से अगर आप ट्रैवल करना शुरू करें भगवानपुरा एंड प्लस, तो आपको रोड के ऊपर बहुत दिनों से आपको रेडियां नजर नहीं आएंगी, उनको वो पीछे जो सर्विस रोड है उसके ऊपर है। अब इशू आ जाता है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ठीक है, अगर आप किसी सुई गैस के डिपार्टमेंट वाले से आप जाके पूछें कि मेरा जो बिजली का बिल है वो ज्यादा आ रहा है, तो इसका आपके साथ कोई कनेक्शन है या वो करें, तो वो कोई रेलेवेंस बनती नहीं है। हाँ, हमारा ये है कि जाहिर बात है इंक्रोचमेंट्स हमें डायरेक्ट इंपैक्ट करती हैं, हम लोग बहुत सारे पर्चे देते हैं इंक्रोचमेंट्स के ऊपर जो कि हमारा काम नहीं है, तो इसलिए मैंने शुरू में प्रीएम्बल में कहा था कि अगर हर इदारा अपनी अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभाए तो ये ना आए। बिल्डिंग्स अगर एनओसीज होने हैं, कमर्शलाइजेशन हो रही है, रेजिडेंशियल एरियाज को कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट कंसल्टिंग एनीबडी, या ट्रैफिक डिपार्टमेंट की इनपुट उसमें है कि ये ट्रैफिक फ्लो को इम्पैक्ट करेगा, एनओसीज फिर भी ग्रांट हो जाए। साहब नहीं, इसमें मैं माजर के साथ आपसे इतफाक इसलिए नहीं करूंगा, अभी मेरी बात कंप्लीट, मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें फिर आप जवाब दें कि पुलिस इतना ताकतवर इदारा है कि बहुत सारे मामलात, बहुत सारे इश्यूज जिन पे ये स्टैंड लेना चाहे ये हुकूमत तक अपनी बात पहुंचा देते हैं। और मैं, मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं, मैं वो उसमें टाइम जाया हो जाएगा, अगर आप ये इश्यूज गवर्नमेंट से उठाएं, और जबकि आप बात करने जा रहे हैं उसमें आप ये रखें। एनक्रोचमेंट के ऊपर मैं बात बताता हूँ, मैं जैसा मैंने बताया कि 19 फरवरी को मैं आया, सबसे पहले मैंने सर्वे कराया कि कहां कहां पे इंक्रोचमेंट्स हैं, कौन कौन से बॉटलनेक्स हैं जो हमारी ट्रैफिक फ्लो को हैम्पर करते हैं। उसके अंदर वी आइडेंटिफाइड 189 साइट्स जो कि इंक्रोच थी, ठीक है,
हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इंक्रोचमेंट्स हटें ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल हो या लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ना हो। 189 साइट्स प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके मैंने अपने डिविजनल एसपी से रिपोर्ट्स ली, सारा कुछ किया, ऑन ग्राउंड जाके सर्वेस किए, बहुत सारी साइट्स मैंने देखी और वहां जाके एक पे हमने ऑपरेशन भी कराया। बट उसमें कॉन्टिन्यूटी चाहिए होती है। एक बार आप हटाते हैं एक जगह जाके, वंडाला बाजार की मिसाल देता हूँ आपको, शाहदरा सर्कल के अंदर वो पूरा क्लियर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हंड्रेड्स की तादाद में दुकानें और वो चीजें आगे जो थड़े लगे वो भी रिमूव हुए स्लोली एंड ग्रेजुअली। जब आपके जो मुतलका इदारे उनको नहीं चेक करेंगे कि वो दोबारा ना आए वहां पे, वो ऑटोमेटिकली दे विल अगेन स्टार्ट रिकमिंग। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, 189 साइट्स हमने इस तरह की आइडेंटिफाई की और हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को और जो बाब इख्तियार हैं उनको हमने कन्वे किया इन आर डिस्ट्रिक्ट। उनको अमल दरामद किया इस पे? हमने अभी अभी भिजवाई है, वो हालात इस तरह के मैं आपको बता रहा हूँ ना बन गए, अभी सारा फोकस और कोरोना चीजें उसके ऊपर है, बट हमारी तरफ से वो एंड रिमाइंडर्स वो जा चुके हैं। नंबर वन, इसी तरह बहुत सारे यू टर्न्स भी थे विच वर अननेसेसरी, उसकी वजह से ट्रैफिक फ्लो हैम्पर होती थी, वो भी आइडेंटिफाई करके वी हैव रिटन टू दी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट। कुछ यू टर्न ऐसे भी हैं, मतलब अगर आप जेल रोड पे देखें तो साथ ही कॉलेज है और वो जैसे ही वो यू टर्न मुड़ते हैं वो कोशिश होती है कि बिल्कुल इस तरह वो जाके उधर गए और उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। उनकी इंजीनियरिंग भी फ्लॉज हैं, वो तमाम चीजें हमने डॉक्यूमेंट करके वी हैव सबमिटेड टू दी कंसर्न्ड अथॉरिटीज। परसू भी करते रहेंगे? परसू हम करते रहेंगे डेफिनेटली। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आईजी रिलीफ फंड जो था कोविड 19 के हवाले से, उसमें पुलिस ने कोई अपना किरदार अदा किया, उसमें कुछ आगे बढ़कर आप लोग आए? जी, उसमें ओवरऑल दी पंजाब पुलिस का एक तो आईजी साहब का बहुत ही एक जबरदस्त इनिशिएटिव था कि हम लोग अपनी जो हमारी नॉर्मल ड्यूटीज हैं उससे बढ़कर हम इंसानी और माशरती जिम्मेदारियां भी पूरी करें। तो जो उन्होंने पंजाब पुलिस रिलीफ फंड बनाया जिसके अंदर हर रैंक के डिफरेंट यूनिट्स के लोगों ने अपनी अपनी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन दी। सिटी ट्रैफिक पुलिस की मिसाल लें तो वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम लेसर अमाउंट, करते करते अल्हम्दुलिल्लाह वी टच अबाउट 2.7 मिलियन। हमारे ट्रैफिक अलकारों में नायब कासिद भी शामिल हैं, उसमें डार्क रनर भी शामिल है, उसमें ऑर्डरली भी शामिल है, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी वजह से कोई 50,000 के करीब ऑल अक्रॉस पंजाब जो मुस्तहकीन है उनको 15-15 दिन का ड्राई राशन उनके घरों तक पहुँचाया गया, जो कि बहुत ही अच्छा इकदाम था, कार्य खैर भी था। और उसकी वजह से भी हमारी जो पंजाब पुलिस की ओवरऑल और लाहौर पुलिस और बाकियों की एक अच्छी नेक नामी में इजाफा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम आपने अभी लॉन्च किया, सीसीपीओ साहब ने उसने किया, ये क्या है और किस तरह आप समझते हैं लोगों का इससे टाइम बचेगा, फायदा होगा कैसे? जी, ये एक बहुत ही लैंडमार्क इनिशिएटिव है जी, जैसा पूरी दुनिया में जिद्दत आ रही है और वो हो रहा है। तो अभी भी हमारे चलान टिकट के ऊपर आपने देखा होगा कि लिखा होता है जी कि आप ये चलान नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जाएं। तो अभी इसकी जरूरत हमें इमीडिएट करने की इसलिए जरूरत महसूस हुई कि ऑलरेडी पहले से चल रहा था, एक ज्वाइंटर एग्रीमेंट हुआ बिटवीन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एंड बिटवीन द ट्रैफिक डिपार्टमेंट। और उसके ऊपर इसको हमने वॉर फुटिंग्स के ऊपर पीआईटीबी के इश्तराक से, क्योंकि बैक एंड पे सारी सर्विसेज वही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने बहुत वॉर फुटिंग के ऊपर इसके ऊपर काम किया। और इसका फायदा ये होगा, अभी कोरोना एनवायरमेंट के अगर हम मिसाल लें तो लोगों के चलानिंग हमने नॉर्मल चलानिंग तो रिड्यूस कर दी थी, बट 144 की जो वायलेशन करता था उसके ऊपर चलानिंग हो रही थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, पिलियन राइडिंग के ऊपर थी, 2 से ज्यादा सवार गाड़ियों पे। अभी तक मैं आपको बताऊं, मैं आपको मिसाल देता हूं कि अभी तक, अभी हम यहां पे बैठे हैं, मैं अभी आने से पहले फिगर्स देख रहा था, 2,98,000 फाइंस सिर्फ 144 की वायलेशन के ऊपर हमने की है अभी तक। कोई 43,000 लोगों से अंडरटेकिंग्स लिए हैं कि आपने दोबारा वायलेशन नहीं करनी, रिटर्न बयान हेल्पी लिया है। कोई 3,00,000 से ज्यादा लोगों को एजुकेट किया हमने कि आप मास्क लगाएं, बाइक पे ना फिरें, बच्चों को सब्जी मंडी ना लेके आए। तो ये हम एफर्ट्स करते रहे। तो जब हमने महसूस किया कि फाइन हो रहे हैं और नेशनल बैंक ने अपने ऑपरेशंस रिड्यूस किए हैं, उनकी ब्रांचेस भी महदूद रह गई, तो वहां पे रश लगना शुरू हो गया लोगों का और उनकी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, वो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं रह रही थी। तो उसके लिए एक बहुत ही लैंडमार्क इनिशिएटिव लिया गया जिसके तहत अभी हमने 3 सेक्टर्स ऑफ लाहौर के अंदर शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि बहुत सक्सेसफुली अभी रन हो रहा है। और वेरी सून आप देखेंगे कि आईजी साहब इंशाल्लाह ताला पूरे पंजाब, पूरे लाहौर के अंदर बाकी कंप्लीट इसको रोल आउट कर देंगे हम। उसके अंदर ये सहूलत है कि अगर किसी का भी ट्रैफिक फाइन होता है तो ट्रैफिक फाइन के लिए उसको नेशनल बैंक के जाके लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वहां पहले वो लाइन में लगता था बेचारा, पहले जाके अपने आप की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करता था, चलान पे हो गया। नेक्स्ट स्टेप ये था कि अभी उसने आईडी कार्ड या लाइसेंस जो जमा कराया वो जाके सेक्टर ऑफिस से रिट्रीव करना है। एक बंदा अगर इस्लामाबाद से आया और विद फैमिली, उसका चलान हो गया है,
चलान हो गया, चले चलान उसने नेशनल बैंक में पे भी कर दिया, बट उसको इमरजेंसी, उसने वापस जाना है अपने शहर में, उसको इतनी परेशानी है कि मैं अपना डॉक्यूमेंट कैसे रिट्रीव करूंगा, डॉक्यूमेंट पहले ड्यूटी खत्म होने के बाद सेक्टर ऑफिस में जाएगा, अगले दिन जाके वो बंदा क्लेम करेगा, तो बहुत बड़ी हैसल थी लोगों को। अभी ये सहूलत हो गई कि आपका अगर ट्रैफिक, एक तो टिकट्स को हमने रिवाइज किया, ऊपर PSID कोड दे दिया 18 डिजिट, विच इज अ यूनिक ID, किसी ने ट्रैफिक फाइन पे करना है तो वो कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बिलर जो है हमारा ATM पे चला जाए, वन लिंक की किसी भी बैंक ब्रांच में चला जाए, इरिस्पेक्टिव के नेशनल बैंक है, अलाइड में चला गया, MCB में चला गया, किसी और बैंक में चला गया, वहां कर सकता है ऑनलाइन बैंकिंग, जिसने अकाउंट्स बनाए हैं उसके थ्रू पे कर सकता है, नॉट ओनली फ्रॉम हेयर, फ्रॉम एनीवेयर सिटिंग इन पाकिस्तान ही कैन पे ऑनलाइन। इसकी दूसरी सहूलत यह है कि एक तो हमारा डेटाबेस बनना शुरू हो गई, वायलेटर का नाम आना शुरू हो गया, जो पॉइंट सिस्टम की मैं बात कर रहा था उसके साथ ये DLIMS के साथ लिंक हो जाएगा, तो उसमें भी ये बड़ा फायदा देगा। सेकेंडली ये है कि डॉक्यूमेंट रिट्रीव करना है, आपका अगर खुदा ना खास्ता कहीं चलान हो जाता है रोड के ऊपर और आप उसको अपने मोबाइल से पे कर देते हैं राइट देयर एंड देन, आप उसी ट्रैफिक वार्डन के पास जाएं और उसको जाके कहें कि मैंने पे कर दिया है, तो हमने एप्लीकेशंस दे दी हैं उनके मोबाइल्स में टू एवरी ट्रैफिक वार्डन, वो PSID कोड एंटर करेगा 18 डिजिट और उसके सामने स्टेटस आ जाएगा पेड और अनपेड, अगर वो पेड होगा तो वो उसका जो शनाख्ती कार्ड है या कागज है वो उसको कहेगा भाई आपका चलान हुआ था, या अपना डॉक्यूमेंट वापस ले लें और वो तमाम अनड्यू हैसल और बॉदरेशन से बच के और वापस अपना डॉक्यूमेंट लेके अपने घर को चला गया, तो विच इज फिनोमिनल। एक अच्छा ये बताइएगा कि इतना अच्छा ये कोरोना की वजह से बंद रहा, 2 माह तकरीबन लॉकडाउन रहा, तो ड्राइविंग लाइसेंस जो अप्लाई करने लोग हैं वो एक पूरा एक पीछे वो रश लगा हुआ है, उसको अब कैसे आप लोग मैनेज करेंगे और इसमें कुछ जिद्दत भी आप ला रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस? जी हाँ, उसके लिए जब ये कुछ डिपार्टमेंट्स ने अपनी सर्विसेज खोली लॉकडाउन के बाद, तो आपने देखा होगा बहुत लंबी लंबी कतारें लग गई और वहां पे स्टाफ कई जगहों पे दरवाजे बंद कर दिए, कहीं पे वो इश्यूज आए, उसको अवॉइड करने के लिए चूंकि हमारा भी एक बैकलॉग है तो हमने उसके अंदर प्रायोरिटाइज किया कि हम किन लोगों को पहले सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे लोग जिन्होंने ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है, लर्नर का टाइम पूरा हो गया 42 दिन से लेकर 6 महीने तक का वैलिड है, उनको हमने प्रायोरिटाइज किया। उसके बाद साथ ही वो लोग जिनके लाइसेंसेस एक्सपायर हो गए और उन्होंने इसी ड्यूरेशन के अंदर लॉकडाउन के अंदर 16 मार्च को लाइसेंसिंग ऑपरेशन सस्पेंड हुए थे और अभी जब हमने रिज्यूम करने, तो हमने क्या किया कि हमने एक शेड्यूलर डिवाइस किया PITB के शराकत के साथ, कि जिस तरह आप एम्बेसीज की अपॉइंटमेंट लेते हैं ऑनलाइन घर से बैठे बैठे, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने देखा कि हमारी ह्यूमन कैपेबिलिटी कितनी है, 18 लाइसेंसिंग सेंटर अगर हमारे लाहौर के अंदर है, 3 टेस्टिंग सेंटर्स हैं, तो हम एक तो हमने नंबर ऑफ स्टाफ को बढ़ाया, अभी अगर एक गाड़ी पे टेस्ट होता था तो वो हमने डबल कर दी बैकलॉग को कैटर करने के लिए। दूसरी ये सहूलत अभी लोगों को मिलेगी इंशाल्लाह ताला, वो भी IG साहब इसका रोल आउट करेंगे प्लान का, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फाइनल, कि एक बंदा अपने घर बैठे हुए, एक तो जो हमारे DLIMS में जो डेटाबेस है उन लोगों को मैसेजेस चले जाएंगे हमारे जो डेटाबेस के हैं कि आपका लर्निंग का टाइम पूरा हो गया, आपका टेस्ट ड्यू है, आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लें, ये 3 टेस्टिंग सेंटर्स हैं, इसमें से जहां पे आपको आसानी है, तो हाफ ऑफ आवर की हमने उसमें स्लॉट्स दे दी, वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएगा, उसका मैसेज उसके मोबाइल पे आ जाएगा कंफर्मेशन मैसेज, रिन्यूअल कराना है, डुप्लीकेट लेना है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेना है या फ्रेश लेना है, तो ये सहूलत उसको घर बैठे बैठाए। हमें एग्जैक्टली हर सेंटर में पता होगा कि हमारे पास कितने लोग आएंगे, कौन आएगा, एट द सेम टाइम अगर कोई वॉक इन आ जाता है हमारे पास, लोगों को नहीं पता और वो आ जाते हैं जी कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो उन लोगों के लिए हम एक फ्रंट डेस्क एक बना रहे हैं, लाइक एक रिसेप्शन, एक इंटरफेस, जहां पे हम लोगों को वहीं पे उनकी अपॉइंटमेंट्स को बुक करेंगे, ताकि अंदर रश के अंदर उसमें अपने आप को कॉम्प्रोमाइज ना करें, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके जिनको नहीं पता तो वो चले जाएंगे। और साथ ही साथ आपके चैनल से और बाकी जितने हमारे हैं जो मीडिया के हजरात, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी ज्यादा तशहीर करें, वो आपको हम प्रॉपर प्रेस रिलीज देंगे ताकि लोगों को आगाही और इस फैसिलिटी से फायदा उठाएं। इसका फायदा ये होगा कि एक उनको अच्छी कस्टमाइज सर्विसेज मिलेंगी, सेकेंडली वो अपने आप को महफूज कर सकेंगे फ्रॉम कोरोना,
इस स्पाइक के दौर के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हमाद अहमद साहब आपके साथ आज की मुलाकात के बाद। उम्मीद है कि ट्रैफिक के जो आपने ये जो नए हमें बताया कि एक तो ये जो नया सिस्टम आप ला रहे हैं इसमें आपका डाटा बेस बनेगा और उसमें जो वायलेटर्स हैं जो परमानेंट वायलेट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। दूसरा ये जो ड्राइविंग लाइसेंस में आप एक नया वो लाने जा रहे हैं, ई पेमेंट तो हो चुका अब ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से जो नया आना जा रहा है, मेरी उम्मीद मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द अज जल्द हो ताकि लाहौर के शहरियों को इससे सहूलत मिल सके। नाज़रीन ये दो तरफा मोहब्बत है, ये एक तरफा मोहब्बत नहीं जो हम बचपन में वहीद मुराद और मोहम्मद अली की फिल्मों में देखते रहे, ये दो तरफा मोहब्बत है, ये जदीद दौर है। आप ट्रैफिक पुलिस वालों को इज्जत दें, ये भी आपकी इज्जत करेंगे, और अगर आपके एहतराम और इज्जत के बावजूद कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपके साथ बदतमीजी करता है तो हम मौजूद हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मौजूद हैं, जरूर उसकी गोशमारी होगी, लेकिन खुदारा पहले आप भी एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। सड़क पर यकीनन बहुत सारे लोग परेशान हैं, किसी ने जल्दी घर पहुंचना है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं कि अगर हम कोई कानून हाथ में ले रहे हैं और कोई हमें रोकता है तो हम उसके साथ उस जो अपनी जो आपको उस वक्त जो मुसीबत दरपेश है उसका इजहार करें। हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और कौम में अपनी जो इज्जत है वो आज के इस दौर में इस 21वीं सदी में अपनी तालीम और तरबियत जो कि सड़कों पर नजर आती है उसी के जरिए करवा पा रही है। अपने होस्ट याशिजा को अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।